थोड़ी सी फटी है कैसे चला रहे नहीं वो एक डंडा अगर एक बार टूट जाए तो उसको फॉलो कर सकते हो। दाल चावल भी तो बनाई तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है लेकर आते हैं। मैं पंजाब से आई बड़े दिनों के बाद चाय की चुस्की लिया जा रहा है तो इसी के साथ हम आपसे पूछ लेते हैं कैसे आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। हर दिन मैं सुबह उठने की कोशिश करता हूँ सुबह की मैं जल्दी उठूँगा और कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ कि कुछ नया करके रात में मुझे इतना जोश होता है कि मैं सुबह मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट निकाल दूँ जिसने आपने सोचे नहीं होंगे। पर सुबह उठते ही सब वो कंटेंट मेरे दिमाग से फ्लश आउट हो जाते हैं, मतलब ऐसे उड़ जाते हैं कि मतलब क्या ही बोलना। टाइम क्या होता है, मतलब 5:30 होने वाला होगा और अभी अपन व्लॉग चालू कर रहे हैं, लेकिन 5:30 मेरे को खेलने जाना रहता है। मैं क्रिकेट खेलते रहता हूँ तो अभी मैं क्रिकेट करूँगा, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। बाकी व्लॉग का चालू करने का मुद्दा मैं आपको आके बताऊँगा क्यों। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। आते समोसा क्या मम्मी क्या बोल रहे हैं? तू कौन है? जब मैं कहता तो पंजाब से खाला आ चुकी है। हाय, मैं पंजाब से आई और मैं भी वहीं से आया था कुछ 5 महीने का आया था। मैं आई हूँ 4 साल बाद। हाँ तो पहले मैं आपके घर गया था, अब आप मेरे घर आए हो। सो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। उस दिनों से हम अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सेटअप के अभी भारी भारी सा भरकम लगता हुआ है। और एक और चीज़ है कि अभी मेरे को सेटअप का थोड़ा आदत नहीं पड़ा क्योंकि मैं फ़ोन से मतलब शूट वगैरह करता था तो कभी कभार ऐसा सेटअप लगाते लगाते मेरे सामने स्टोरीज निकल जाते थे। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है लेकर आते हैं। तो ये है मेरा न्यू हेलमेट फॉर व्लॉगिंग पर्पस। अब ये व्लॉगिंग पर्पस कैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए व्लॉगिंग पर्पस मैं इसको बोल रहा हूँ। अब होगा थोड़ा मोटा व्लॉगिंग आपके साथ और स्टोरीज वगैरह और अच्छे शेयर होंगे। होता क्या था कि मैं सोचता रहता था कि यहाँ स्टोरीज निकल गई यहाँ स्टोरीज निकल गई, क्योंकि हाईवे के भी स्टोरीज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस की स्टोरीज हो, हाईवे के भी स्टोरीज वगैरह होते हैं। तो उसको कैप्चर करने के लिए हमारे पास होना ज़रूरी था एक मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। तो मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप अब स्टार्ट होने वाला, करीबन 10 दिन के अंदर अंदर मैं एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आपको एक रेडी करके दिखाऊँगा कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप करते कैसे हैं। तो ये हेलमेट बहुत प्यारा सा हेलमेट है और मैंने अपने स्कूटी के हिसाब से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लिया हुआ। मेरे स्कूटी का कलर है ग्रे एंड ये भी हल्का सा ग्रे टाइप में है। अभी कैमरे में थोड़ा ब्लैक दिख रहा है बट ग्रे और ब्लैक का लुक दे रहा है। ब्लैक तो इसका ये है, ये थोड़ा ग्रे टाइप है तो मेरे स्कूटी से ये मैच कर गया एंड मैच कर गया तो अपन भी अब मैच कराएंगे अपने। हमारे टुग्गू ने हमारे आमलेट बना रही है। मैं आते से ये देख रहा हूँ कि टुग्गू हमारे लिए आमलेट बना रही है और ये इसका भाई खालू बुला रहे हैं। हाय खाला, आप नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, रात है, बच्चे लोग को लेके नहीं जाऊंगी, भीड़ बहुत होती है। इसीलिए खाला मतलब थोड़ा घबरा रही है। बाकी घबरा रही है, बच्चे लोग सो जाते हैं तो मैं जरूर जाऊँगी। तो एक तो कैंसिल हो गई और एक और कौन जाता है हमारे साथ वो देख लेते हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे एक और खालू मिल रहे हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। बाकी सब लोग का खाना हो चुका, सिर्फ मेरा खाना बचा हुआ है और मैं अभी क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं? दाल चावल आमलेट। मैं कौन रहा है खाला? दाल चावल और आमलेट है। दाल चावल तो घर के कोई पता नहीं कोई बनाया होगा, आमलेट इसने बनाया है मेरे लिए। ठीक है, रेसिपी चाहिए इसको फॉलो कर सकते हो। दाल चावल भी तो बनाई है सही में। सो हमारे साथ एक और शख्स आ रहा है, वो शख्स को आप देख के पहचान जाओगे कि वो कौन है। आइए मियाँ। हाय, समझ गए, चलते हैं। सब पहुंच चुके हैं, खाला यहाँ पे खालू भी खड़े हैं और पास में ये लोग भी हैं, ये भी खड़ी है। अपन दरगाह पहुंच चुके हैं। पहले तो अपन गए थे सबसे दूर 1-2 किलोमीटर पहले पीछे गए थे क्योंकि 2 किलोमीटर पीछे जाना ज़रूरी था, पार्किंग नहीं मिल रहा था। अभी पार्किंग मिल चुका है और अब भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। Yeah.
दिखा क्या है, क्या लिए फूल आगे दिखा दे, तू भी दिखा दे फूल आगे दिखा ना। कैमरा देख के दोनों के दोनों ने एकदम सट्टी बुट्टी गोल हो जाता है दोनों का। कैमरा में देखते ही नहीं है दोनों के दोनों। भैया कुछ बोलना चाहेगी इस झूले के बारे में? झूला तो बहुत अच्छा है पर देखो कैसे झूला रहे। नहीं वो एक डंडा अगर एक बार टूट जाए तो पता चला सबके सब पलटी। अभी मैं देख के भी को डर लग रहा है। चले नहीं भाई मैं को नहीं आना। सुनना हम लोग अस्सलाम वालेकुम। सब यहीं पर है अभी भी। भाई मेरे को इसको देख के बहुत सारा डर लग गया। तो खालू ये बोल रहा है कि कल आना पड़ेगा अपने को और कल भी अच्छा ज़्यादा चादर निकलेगा। क्यों खालू? कल बहुत ज़्यादा रहेगा, कल इससे ज़्यादा भीड़ रहेगा, इससे ज़्यादा क्राउड रहेगा, कल भी आना पड़ेगा अपने को। तो कल रात में और फंक्शन है, कल वापस यहीं पर मिलते हैं। फिलहाल अभी गुपचुप खा रहे देखो। रुकने के बाद कह के ऐसे गोल जो घुमाया ना उसके बाद अपना जो पैर है ना वो सांप जैसे नागिन बन गया। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। इसे इसे जो घुमाया ना हमारा सर सक गया। और इनका जी तो हालत पस्त हो चुका है। इनका तो हालत पस्त हो चुका है जी। दस्त आने वाले बोलती है। चले चलते हैं मियाँ जी, यहाँ तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलती है बड़े मियाँ। सलाम वालेकुम। अपनी बारी है, अब अपने को बिस्मिल्लाह करना पड़ेगा। क्यों भैया? और हमने ऑर्डर क्या किया? एक प्लेट डोसा और एक प्लेट किटी। किटी क्यों? ये भी अपना बिस्मिल्लाह कर रही है तो मैं भी अपना बिस्मिल्लाह कर लेता। चलो
तो अभी अपन एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं, पॉइंट पे बैठने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि लोकेशन कैसा है। यहाँ से वैसे कवाली सुनने में अलग ही मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ पे आराम आराम से सुनो, वैसे तो बहुत बड़ा कवाली होता है, मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐसे दिखा दूंगा। फ़ोन को वैसे टाइम लैप्स मोड में लगाया था, बट टाइम लैप्स मोड में हो रहा है क्या है कि लाइट ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे लाइट मतलब कम नहीं होता है एंड यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कम करना था बट हो नहीं पा रहा है। पर कोई नहीं, मैं नॉर्मल वीडियो ही लगा देता हूँ, आप देख लोगे ज़रूर। मैं थोड़ा बहुत ही दिखा रहा हूँ, अगर कुछ नहीं पसंद आया होगा। अभी वैसे ब्लॉग का एंड नहीं करेंगे, अभी घर जाएंगे, इसको छोड़ के जाएंगे घर। बाकी यहाँ तक का अपना सफर अभी यही लगता है, बाकी और कल भी जैसे कि मैंने बोला था कि कल भी हो सकता है। बाकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ करना क्योंकि आज बाजू बहुत ज़्यादा शोर है एंड शोर के कारण मैं ज़्यादा वॉइस क्लियर नहीं ले पाता एंड अंदर में बहुत ज़्यादा वॉइस था। बट आपको ब्लॉग देख के समझ आ गया होगा कि आज क्या करने गए थे, होपफुली आपको ही मजा आया। अंदर जाके बहुत सारी पॉजिटिव वाइब आती है, कहीं भी जाओ। तो आँखों में नींद देख रहे हो ना, ये वैसे नया हेलमेट लिया तो अब बहुत हद तक फेस बच जाता है, वरना नहीं बचता था फेस। तो कल खालू बोले जैसा कि कल और अच्छा चादर निकलेगा, बहुत सारे चादर, आज बहुत लिमिटेड चादर दिखा, जैसे कि हम लोग एक ही चादर देख पाए हमें, बाकी सब चादर तो मतलब निकल के चले गए थे। हम लोग थोड़ा सा लेट थे पॉइंट सेकेंड के, क्योंकि बाकी चादर आके वापस हो रहे थे। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तब मैं देखा कि वापस हो रहे थे, तो बाकी कुछ नहीं था, वो बाकी सब वापस हो गए, तो एक चादर मैंने देखा। अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है, अब बस मैं जाके सो जाऊंगा। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।